हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है रेसिपी के साथ। अभी बन रही है भिंडी फ्राई, लेकिन थोड़े से अलग स्टाइल में। तो सबसे पहले आपको ले लेना है तेल 1.5 चम्मच, एंड भिंडी फ्राई को बहुत संभाल के बनाना पड़ता है। अगर 2 मिनट भी आप साथ में नहीं है भिंडी के तो वो जल जाती है, प्लस अगर प्रॉपरली उसको घुमाते नहीं रहे तो उसमें वो चिकनापन जाता नहीं है। तो तेल डालने के बाद जैसे ही गर्म हो जाए, सबसे पहले आपको उसमें डाल लेना है जीरा एंड थोड़ी सी लाल मिर्च ड्राई वाली साबुत, एंड उसके बाद ग्रीन चिलीज एंड थोड़ी सा कड़ी पत्ता, और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और थोड़ा सा बाद में डाल देना है मूंगफली। बीच में जब ऐसे नट्स या कुछ आते रहते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मूंगफली ज़्यादातर टाइगर राइस जो बोलते हैं या लेमन राइस उसमें या फ्राइज़ में ज़्यादातर अच्छी रहती है। जब भी हम कभी किसी कैटरिंग में जाके खाना खाते हैं, मतलब किसी शादी वादी में जाके खाना खाते हैं, तो कैटरिंग वाले मैक्सिमम फ्राइज़ में जो है मूंगफलियाँ एंड ये सब चीज़ें डालते हैं, जिससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मूंगफलियों का कलर भी थोड़ा बदल चुका है। अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक एंड थोड़ी सी हल्दी, और इसको अच्छी तरह भी मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटी हुई भिंडी। आप भिंडी को अलग अलग स्टाइल में भी कट कर सकते हैं, लेकिन डेली जब हम लोग बनाते हैं तो स्टाइल को परे रख के जल्दी से जल्दी खाना बन जाए, उसमें स्टाइल को छोड़ के नॉर्मल जैसे कट करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे भिंडियाँ देखिए अभी कितनी ग्रीन ग्रीन अच्छी लग रही है। अब आपको इसको थोड़ी देर जो है टाइम टाइम पर पकाते रहना है। अभी देखिए भिंडियाँ पक चुकी है, एंड उसमें डाल दिया है मैंने लाल मिर्च, और इसको अच्छी तरह मिला लेना है। एंड आपको इसको ओपन ही पकाना है, अगर आप ढक्कन लगा देंगे तो उसका ग्रीजीनेस नहीं जाएगा। एंड ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है इसमें, वो है तिल एंड काजू एंड जीरे का पाउडर, जो इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। बस हमारी भिंडी फ्राई रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताना मुझे ज़रूर कि कैसे बनी। स्विमिंग का टाइम होने वाला है, तो मैं सोचा स्विमिंग में जाने से पहले मैं आपको पर्पल पे जो अभी 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक एक काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, मैक्सिमम 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आप अपने मन चाहे जो भी प्रोडक्ट्स है वो ले सकते हैं। तो मेरे कुछ जो फेवरेट है या जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ, और कुछ नए प्रोडक्ट्स है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक काइंड ऑफ हॉल वीडियो मान लीजिए ये, इन बिटवीन द ब्लॉग। तो अभी मैंने जो लगा रखी है लिपस्टिक, क्योंकि ये वाला जो घर में मैंने पहना है रेड कलर का है, तो मैंने सोचा चलो शुगर का ये वाला लगाते हैं। तो ये वाला मैंने लगाया है, इसका नाम है ड्रॉप डेड रेड 10। तो ये वाला मैंने
लिक्विड लिक्विड लगाया है, लिक्विड लिपस्टिक मैंने लगाया है क्योंकि मैं वीडियो शूट करने वाली थी इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाया, वरना मैं नहीं लगाने वाली थी क्योंकि स्विमिंग पे ज़्यादा टाइम मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, नो मेकअप एट ऑल, तो पूरा निकाल लेती हूँ जो भी होता है। पर अभी मेरे को दिखाना था तो मैंने बोला चलो लगा लेते हैं करके मैंने ये वाला लगा लिया। एंड आजकल जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ आपको मालूम है, एक तो ये वाला क्रेयॉन है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़, ये पर्पल का है, ये देखिए इसका नाम है शेयरिंग टू केयरिंग टू, फ्रॉम शेयरिंग टू केयरिंग टू। तो ये दोनों लिपस्टिक भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब जब लिक्विड यूज़ करनी होती है वो यूज़ करती हूँ और जब नॉर्मल क्रेयॉन यूज़ करती हूँ तो ये वाला यूज़ करती हूँ। रोज़ यूज़ करने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, ज़्यादा कितनी बार भी शार्प कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा यूज़ इसी को कर लेती हूँ और हर किसी ड्रेस पे वो सूट हो जाती है, तो वो। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर, जो मैं बहुत बुरी तरह जब रेडी होती हूँ, जब ब्लू कलर से के कोई ड्रेसेस पहनती हूँ ना, तो ब्लू के ऊपर ये वाला जो कलर है काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बारे में आपने मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने बताया भी था, मेरे को रानी कलर बोल सकते हो आप इसको, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये कलर। तो ये वाला है, इसका नाम है गोती प्लम 10, ये भी गोती प्लम 10 है। तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ वॉट एवर आइटम्स आई एम शोइंग राइट नाउ। एंड ये एल्प गुडनेस का नया ऑयल है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, इससे पहले एक यूज़ किया वो तो ख़त्म हो गया, और सारे ऑयल्स अभी सर में लगाने वाले मेरे ख़त्म हो गए, इंदुलेखा भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैंने बोला चलो अभी चाहिए करके फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया। एक ये है एल्प गुडनेस का, जो 7-in-1 है, 7-in-1 काम करता है आपके, इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, स्ट्रेंथ द हेयर, प्रिवेंट्स स्कैल्प प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, काफ़ी अच्छा ऑयल है। एंड सी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना आपको, तो दिस इज़ वन। एंड उसके बाद एक जो मुझसे, जब भी मैंने पील ऑफ लगाया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा पील ऑफ है, वो मॉन्ड सबका है, देखिए पिचकू हो चुका है, ये काफ़ी ख़त्म हो गया, लेकिन इससे ब्लैक हेड्स भी अच्छी तरह निकल जाते हैं और फेशियल हेयर भी बहुत अच्छी तरह निकल जाता है। तो ये वाला जो है 100 ml का मॉन्ड सब पील ऑफ ब्लैक मास्क है, चारकोल वाला। एंड बाकी चारकोल वास्ट से ये मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं जैसे, तो उन सब में मेरे को ये वाला बेस्ट लगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह पील करता है। जब हम चारकोल लगाते हैं एक तो वो डर्ट पूरा खींच लेता है प्लस ब्लैकेट्स निकालता है, लेकिन अगर पील ऑफ प्रॉपरली हो ना तो उसके जो ब्लैकेट्स है वो बहुत अच्छी तरह निकलते हैं। तो ये वाला उसमें नंबर वन कहूँगी, थोड़ा ज़रा सा पेन तो होता ही है, तो पार्लर में करने से अच्छा आप कोई फेशियल मतलब वैक्सिंग कराओ फेस की, उससे अच्छा तो ये है, ब्लैक हेड्स भी निकाल देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, एंड योर स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप ऑरेंज कंसीलर लगाओ, फिलहाल मेरे पास यही है जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक कवरेज दे देता है। ऑरेंज कंसीलर भी मैं ऑर्डर करने का सोच रही हूँ, जो ये वाला है वो है एलमंड वाला, तो आप लिंक चेक करेंगे तो आपको इसके अलावा भी जो भी शेड्स है वो भी दिख जाएंगे, आप अपने कलर के हिसाब से कंसीलर ले सकते हैं। एंड सी अभी मैंने कुछ भी कंसील नहीं किया है, लेकिन ऑटोमेटिक जो मेरी ब्लैकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिकॉज आई एम टेकिंग मोर ऑफ लिक्विड्स, उसकी वजह से ठीक हो रहा है ये। अदरवाइज़ ये वाला कवरेज देने के लिए मुझे ये कंसीलर लगाना पड़ता था, बट स्टिल मैं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत डॉट्स जो है या कोई पिंपल आ जाए, उसका दाग वाग छूट जाए, तो ये अच्छा कवरेज दे देता है। ये एलेगल प्रो कंसीलर है एलमंड वाला। देन उसके बाद ये नाइट क्रीम, वायम की नाइट क्रीम, जो मैं आपको बहुत बार दिखाई चुकी हूँ, देखिए ख़त्म भी होने, मतलब ख़त्म तो नहीं हुई है लेकिन आधी हो चुकी है। देन दिस इज नाइट क्रीम। एंड ये वायम के सारे प्रोडक्ट जो है काफ़ी आयुर्वेदिक रहते हैं, एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स तो हमेशा से ही प्रेफरेबल है, बिकॉज दोज आर गुड फॉर योर स्किन। मेरे से आज स्किन क्यों नहीं निकल रहा है, स्किन निकल रहा है। तो उसके अलावा ये एक नेल पेंट, कल मैंने अपने नेल्स कट करे थे, मैं सोचा रात को लगा लेती हूँ नेल पेंट, फिर मैंने आलस कर दिया, थक गए नेल्स काट काट के ही थक गए, और थंब का जो नेल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत दर्द होने लगता है, फिर मेरे को दर्द सहन करके इतना ये हो गया, मैं बोला नहीं अब तो चलो भाई बाद में लगाएंगे, तो मैं पैरों में ये वाला लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा सूट करता है बाकी कलर से मुझे लगता है। वैसे तो मेरे पास बहुत कलर्स है, ग्रीन ब्लू वो सारे, लेकिन मम्मी की पसंद ये है, और मैं भी अब मम्मी बन चुकी तो मेरी भी धीरे धीरे पसंद यही होती जा रही है, लाल रंगीले वाले कलर्स ये। एंड उसके बाद दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या मेकअप करने के बाद रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हर रोज़ फाउंडेशन लगा रहे हो तभी आपको रिमूव कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, हम हर रोज़ नहाने धोने के बाद क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, फिर पाउडर लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ मेकअप, जो रात को आपको अपने स्किन को ब्रीथ करने देना चाहिए, उसके लिए जो भी आपके स्किन पे है वो अच्छी तरह निकले, उसके लिए ये देखिए निकल गया,
इसको लगाते ही बहुत अच्छी तरह, बहुत ही देखिए एकदम स्लिपरी है, देख रहे हैं ये देखो, तो बहुत ही स्लिपरी है एंड मेकअप बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाता है। ये जो मैंने लिपस्टिक यहाँ लगाई है उसको निकालती हूँ मैं। ये देखिए ये लिपस्टिक पूरी निकल चुकी है, अगर आप और कुछ लगाते तो ये ऐसे नहीं निकलती, एंड अगर आप कॉटन पैड पे लगा के इसको रिमूव करते तो और अच्छी तरह रिमूव हो जाएगा। ये हाथ में जो है वो चिपचिपापन रहता है, तो थोड़ा सा जब कॉटन हम लगाते तो खुदरेपन से आराम से निकल जाता है, या तो कोई आप रुमाल भी, पुराना रुमाल भी है, अगर उस पर भी थोड़ा यहाँ पर रब करके उससे पोंछ देंगे तो भी ये पूरा चला जाएगा, ऑलमोस्ट चला गया है। तो कॉटन पैड पे थोड़ा सा ये एस क्यू का है, ये टेक इट ऑफ मी मेकअप जेल रिमूवर है ये, जो काफ़ी अच्छी तरह जो है आपका मेकअप रिमूव कर देता है एंड इट स्मेल्स वेरी गुड। तो ये बहुत अफोर्डेबल भी है एंड क्योंकि अभी ऑफ चल रहा है तो आप जो भी आइटम्स हैं हमेशा ऑफ में ख़रीदा कीजिए, ऑफ़ के बिना मत लीजिए, क्योंकि आए दिन परमानेंटली ऑफ चलता ही रहता है और आप जल्दबाजी में अगर ऑफ़ के बिना ख़रीदेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो बिना ऑफ़ के मत खरीदिए, ऑफ़ के साथ ही खरीदिए। इन सब आइटम्स पे ऑफ़ है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिस पे ऑफ़ है, लेकिन मैं वही दिखा रही हूँ जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ और जो मेरे फेवरेट्स हैं, तो वो एक है एंड दिस वन आई हैव नॉट यूज्ड। ये भी एस क्यू का है, दिस इज़ एस क्यू इल्यूमिनेटर एंड सी पेन मॉडल में दिया है इसका। तो मैं पहले सोच रही थी कि कहीं दबाने से शायद आएगा इसका जेल, मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं आया, लेकिन मॉडल बड़ा अच्छा है ना, इल्यूमिनेटर है। मैंने आदित्य के हाथ पर लगाया था तो मम्मी बोल रहा था और लगाओ और लगाओ, बड़ी शाइन से आ जाती है इसको लगाने के बाद। एंड आप मेकअप में जब इसको यूज़ करेंगे ना तो बहुत शाइनी हो जाएगा, शाइन तो दिख ही रही है आपको, है ना, बैक कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी शाइन है। तो आप मेकअप के टाइम पे इसको अपने फेस पे लगाओगे तो आप एकदम, मतलब पार्टी लुक चाहिए आपको तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एस क्यू का इल्यूमिनेटर, वेरी गुड वन, सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर माय नेक्स्ट मेकअप लुक, वेन एवर आई विल बी डूइंग, आई डोंट नो व्हेन। वो हो गया एंड लास्ट है ये प्रोडक्ट। तो गुड वाइब्स के काफ़ी सारे सीरम्स आए हुए हैं विच आर वेरी 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 गुड, एंड वो इसलिए क्योंकि सीरम्स जो है आपके किसी भी क्रीम से भी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड इसके ऊपर नॉर्मल कैप भी हुई थी, प्लस इसके डब्बे में ये अलग से निप्पल दिया हुआ था, तो ये निप्पल में आप इस तरह से देखें ये लिक्विड को, मैं ऑलरेडी नहाने के बाद आज लगा रखा है ये, तो इसके 2-3 ड्रॉप्स आप ले लीजिए, ऐसे 3 ड्रॉप्स। और ये विटामिन सी का है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं, और उसके बाद आप फेस पे लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ऑलरेडी जाने के लिए मैं रेडी हूँ तो अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। देखिए एकदम पूरा मॉइस्चराइज हो गया, एंड विटामिन सी जो होता है आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन के ग्लो के लिए अच्छा है। एंड ये है विटामिन सी प्लस विटामिन B3 का है स्किन ग्लो सीरम, तो अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलरली यूज़ करेंगे तब वो ग्लो तो पक्का आएगा, एक दिन यूज़ करके छोड़ने में कोई ग्लो नहीं आता है, एक दिन पानी पीने के बाद ग्लो एक्सपेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, सो एवरीथिंग शुड बी कंसिस्टेंट। तो ये जो है ये गुड वाइब्स का विटामिन सी विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम है, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो काफ़ी आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सीरम्स आए हैं, तो मुझे लगा ये विटामिन सी का, क्योंकि मैं बहुत सारे विटामिन सी के आइटम्स यूज़ करती रहती हूँ तो इसलिए मैंने विटामिन सी ही प्रेफर किया, एंड दिस इज़ द वन गुड वाइब्स का एंड वेरी अफोर्डेबल टू। तो इन सब आइटम्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एंड आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, बेशक आप परचेज करें नहीं करें लेकिन आप चेकआउट इसलिए कीजिए क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं, शायद आपको उन चीज़ों की ज़रूरत हो बाकी ब्रांड्स पर भी, तो एक बार आप जब साइट विज़िट करेंगे तब आपको बाकी आइटम्स देखेंगे तो आपको तब आएगा याद, अच्छा शायद हम ये भी ले सकते हैं करके। तो यही था प्रोडक्ट्स के बारे में, और अभी मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ बच्चों के साथ, एंड वो जो क्लिपिंग है जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो अभी तक क्लिपिंग मिली नहीं है मुझे, कि मैंने मिस कर दी पता नहीं, तो जब भी मुझे मिलेगी आजकल मैं पक्का आप लोग को दिखा दूँगी वो। चलिए बाद में मिलते हैं, अभी बाय बाय। तो स्विमिंग के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, पहले चला देता है गाने, और गाड़ी भी इतनी गर्म हो चुकी है कि मैंने थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ खोल दी है, बहुत एसी चलाने से भी जो है गर्म हवाएं आ रही हैं।
चलो चलते हैं। चलो 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 आदित्य चलो। आंटी का भी काम हो चुका है तो आंटी भी जा रही हैं, और आदित्य कल से ज़िद कर रहा है कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है कोई विजयवाड़ा में PWD ग्राउंड्स में, और वहाँ पे झूले वूले वो सब कुछ रहता है, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। एंड उसके डैडी ने कुछ दिन पहले बोला था कि आज के दिन जाएंगे, तो वो वेट कर रहा था, गिनती कर रहा था, और अपने पापा को उसने याद दिलाया आपने बोला था आज जाने के लिए, तो प्रॉमिस रखना पड़ता है, नहीं तो प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बच्चों को पता नहीं चलेगी। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मतलब स्विमिंग कर कर के यहाँ हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही कर ली मैंने तो बहुत दर्द हो रहा है। एंड अभी जा रहे हैं एग्जीबिशन में, तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड एग्जीबिशन का या इसका कंटिन्यूएशन जो भी होगा वो आप अगले व्लॉग में देख लीजिएगा। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो चिपका दीजिए ना चिपका दीजिए एंड शेयर कर लीजिए एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो मैंने यही वाला कुर्ता पहना है एंड घर थोड़ा मैसी हो चुका है, बट अभी हिम्मत नहीं है कुछ ठीक करने की। चलो बाय बाय।